लोकतंत्र टीवी। तो शुरुआत करते हैं लॉकडाउन के चौथे चरण में एक के बाद एक कई छूट दी जा रही है, लेकिन इनको लेकर जो फैसले शासन स्तर पर हो रहे हैं, जो फैसले प्रशासन स्तर पर हो रहे हैं और जो फैसले RWA स्तर पर हो रहे हैं, उनमें कोई तालमेल नहीं दिख रहा है। इसकी वजह से हर जगह कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बात दुकानों को खोलने की हो, आरोग्य सेतु के इस्तेमाल की हो या फिर RWA में मेड की एंट्री की हो, सलून खोलने की हो, ऑटो टैक्सी चलाने की हो, ट्रेन चलाने की हो, डोमेस्टिक उड़ानों की हो, साफ साफ आदेश और निर्देश नहीं मिलने से उसके पालन में लोगों को परेशानी आ रही है। कुछ राज्य सरकारें ऑड इवन फॉर्मूला अपना रही हैं तो कुछ लेफ्ट राइट, फिर इन्हें वापस भी ले लिया जा रहा है। लॉकडाउन खोलने ना खोलने या उसमें मिली छूट को लेकर हर स्तर पर कंफ्यूजन क्यों बना हुआ है और इससे जनता को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसका समाधान क्या है, इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। और हमारे साथ तो दो मेहमान जुड़ चुके हैं, आलोक रंजन जी जुड़ चुके हैं, पूर्व मुख्य सचिव है। बहुत स्वागत है आलोक रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड IAS हैं। बहुत स्वागत है विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। लॉकडाउन में ऑड इवन, लॉकडाउन में लेफ्ट राइट, कैसे चलेगी ट्रेन, कैसे उड़ेंगे प्लेन, आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य तो कभी वैकल्पिक, लॉकडाउन को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों? लॉकडाउन के चौथे चरण के आते आते कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। ये कंफ्यूजन हर स्तर पर दिखाई दे रहा है, सरकार की तरफ से लिए जाने वाले फैसले से लेकर प्रशासन की तरफ से जारी हो रहे हैं निर्देश या फिर RWA के फरमान तक, हर जगह कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लॉकडाउन में दुकानें कैसे खुले कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसे लेकर प्रशासन से लेकर दुकानदारों तक को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इसकी वजह बिना सोचे समझे निर्णय लेना है। आपको लखनऊ के भूतनाथ मार्केट का हाल दिखाते हैं, जहाँ हर तरफ भ्रम की स्थिति बनी हुई है। व्यापारियों में कंफ्यूजन है और आखिर क्या, कौन सी दुकानें खुले कौन सी नहीं, यह तय नहीं हो पा रहा। हम एक और व्यापारी नेता से बात करते हैं, अमिताभ जी से। अमिताभ जी, दुकानें लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में खुलनी थी, लेकिन दोनों तरफ या तो दुकानें खुली हैं या दोनों तरफ बंद है, ऐसा क्यों है? ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया जो आदेश शासन की तरफ से पारित किया गया है। इससे हम लोग ये कन्फ्यूजन में है कि किस तरफ से राइट माना जाए, किस तरफ से लेफ्ट माना जाए, इसलिए कहीं कहीं दोनों तरफ खुली है, कहीं एक तरफ खुली है। ये भी उनका दावा है कि सारी मार्केट, जितनी मार्केट खुलनी है, जो प्रमुख मार्केट है राजधानी की, सब में सैनिटाइजेशन कराया गया है। मार्केट में अपनी तरफ से सैनिटाइजेशन कराया गया है, नगर निगम से भी किसी भी मार्केट में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है। हम लोग ने अपनी मार्केट में अध्यक्ष जी के कहने पे एकल दुकानों की खोलने की बात कही गई। हम गांधी मार्केट में मनोज अग्रवाल एकल दुकान हार्डवेयर व्यापारी हैं, वहां पे भी अब एकल दुकानों में 5% दुकान खुल पाई हैं, 5% कल खुलेंगी। नोएडा में जिला प्रशासन ने हाउसिंग सोसाइटी में घरेलू कामकाज करने वालों को काम करने की छूट दी है, तो RWA अपनी सोसाइटी में आने जाने को लेकर अपना अलग नियम बनाए हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि RWA मेड और दूसरे काम करने वालों की एंट्री को नियमित तो कर सकता है,
लेकिन उनके आने जाने पर रोक नहीं लगा सकता। हम लॉकडाउन 4 तक मैट से हमें बचना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग होगा तो कोई तो बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैट अगर हमारे यहाँ काम करने आती है तो हमारे यहाँ से निकल के किसी दूसरे के घर में नहीं जाएगी, इसकी कौन गारंटी लेगा? या फिर हमारे सोसाइटी में आ रही है और दूसरे सोसाइटी में नहीं जाएगी, इसकी कौन पुष्टि करेगा? तो ये सब कुछ सवाल है जिससे परेशानी आगे खड़ी हो सकती है। तो ये सब को देखते हुए सभी सोसाइटी में पोलिंग कराई गई। पोलिंग के बाद ये डिसीजन लिया गया कि अभी हम लोग लॉकडाउन 4 तक रुकते हैं। हमारी निफोमा टीम द्वारा यह समीक्षा की जा रही है कि यह बिल्कुल सत्य है। जिनको ज़्यादा आवश्यकता है वो अपनी घरेलू सहायिकाओं को बुला सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो सैनिटाइज और मास्क पूरी तरह से लगाए होंगी। ये कंफ्यूजन आरोग्य सेतु ऐप को लेकर भी कम नहीं। पहले इसे अनिवार्य किया गया, फिर वैकल्पिक बना दिया गया, अब हवाई यात्रा के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। बात प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की करें, तो यहाँ भी आदेश और निर्देश में कोई तारतम्यता नहीं दिखी। आपको सुनाते हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल का 15 मई को दिया बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ राज्य ट्रेनें की आने की अनुमति नहीं दे रहे, जबकि अब रेल मंत्रालय ने कहा है कि राज्य की मंजूरी की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परवानगी मिल रही है। अब उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, लगभग 400 ट्रेन है अभी तक उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी हैं। बिहार के लिए 200 से अधिक ट्रेनें रवाना हो चुकी हैं। आखिर ये राज्य भी ले रहे हैं अपने लोगों को, घर वापसी बुला रहे हैं, घर वापसी लाके उनको पैसा भी दे रहे हैं, उनको अपने घर भी पहुंचा रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल ने कुछ दिन पहले तक तो सिर्फ 2 ट्रेन की परमिशन दी, फिर माननीय गृह मंत्री ने उनको पत्र लिखा तो उस दिन उन्होंने कहा कि हम 8 और ट्रेन लेंगे। पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है वो 8 ट्रेन भी आज सुबह तक उन्होंने नहीं ली थी, सिर्फ 5 ली उसमें से। रेल मंत्रालय अगर पहले ही ये निर्णय कर लेता तो मजदूरों को शायद थोड़ी राहत मिल जाती। लॉकडाउन में छूट को लेकर शासन और प्रशासन निर्णय तो ले रहे हैं, लेकिन इन निर्णयों के पालन करवाने को लेकर भ्रम भी पैदा हो रहे हैं। उत्तराखंड जैसे कम सघन राज्य में पहले दुकानों को ऑड इवन आधार पर खोलने का फैसला हुआ, लेकिन जब इसकी अव्यवहारिकता सामने आई तो वापस ले लिया गया। कोरोना और लॉकडाउन के इस दौर में हर स्तर पर काफी सोच समझ कर फैसले लेने की जरूरत है, ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो देखा आपने यहाँ पर कितना कंफ्यूजन है बाजार में। यहाँ पर बाजार खुले हैं, दुकानें खुली हैं, लेकिन इतना ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर दिया गया है जिससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोनों मेहमान, विजय शंकर पांडे जी। अब लॉकडाउन 4 में जब रियायतें दी गई, हालांकि 3 से बहुत सारी रियायतें दी गई थी, लेकिन शुरू से ही इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों पैदा किया जा रहा है? और दूसरी बात ये भी है कि बार बार आदेश आते हैं, फिर उसको आदेश बदल दिए जाते हैं, इतने आदेश हर रोज बदले जा रहे हैं कि लोग अब इससे भी परेशान हो जाएंगे। देखिए, ये बात आप सही कह रही हैं कि निर्देश बार बार बदले जा रहे हैं और कंफ्यूजन है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, अभी जो 4th लॉकडाउन शुरू हुआ उसमें ये निर्णय लिया गया कि सारे निर्णय अब राज्य सरकारें लेंगी और जिला प्रशासन लेगा। तो अब हर जिला अलग अलग अपना निर्देश जारी कर रहा है, जैसा कि आपने कुछ उदाहरण दिए, लखनऊ में जारी हुआ, नोएडा में जारी हुआ, अन्य जनपदों में भी जारी हुआ। अब इन जनपदों में जो निर्णय जारी हुए हैं उनमें कुछ ऐसी बातें डाल दी गई हैं जो बिल्कुल अव्यवहारिक है। मैं आपको याद दिलाऊं कि दिल्ली सरकार ने एक ये बेवकूफ़ी का कदम, मैं बड़ा साफ कर, बड़ा बेवकूफ़ी का कदम लिया था। ऑड इवन ये दुनिया के किस कोने से उठा के लाए थे इस बेवकूफ़ी के स्टेप को, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन जनता महीनों परेशान रही, 15 दिन करके। यही किसी के दिमाग में आ गया कि ऑड इवन शुरू कर दो। अरे, ये सब चीज़ें अव्यवहारिक हैं, निहायत जिसे मैं कहता हूँ आधारहीन तर्क हैं, इनको बिल्कुल डालना नहीं चाहिए था। तो मेरा ये सभी जिला प्रशासन से ये अनुरोध होगा, उनको मैं सलाह देना चाहूँगा कि ये सब काम बंद करिए। ये एक व्यक्ति की बेवकूफ़ी को आप देश भर में मत फैलाइए। ऑड इवन नाम की कोई चिड़िया नहीं होती,
या तो बाजार खोलिए या ना खोलिए, आपने एक बार निर्णय ले लिया कि बाजार खुले हैं तो खोलने दीजिए। देखिए हमारे देश में कोरोना का इतना भय हो गया है कि आदमी एक दूसरे को देख के भाग रहा है, ये आप अनुभव कर रही होंगी, खुद भी अनुभव कर रही होंगी, देख के भाग रहा है जैसे कोई जानवर आ गया खा ना जाए। तो यहाँ वैसे ही डर के मारे लोग जो हैं एक दूसरे के पास जा नहीं रहे, किसी के मुंह पर बिना मास्क के आप देखेंगे नहीं, हर आदमी बोतल लेके घूम रहा है सैनिटाइजर की, इसके बाद आप क्यों घबरा रहे हैं? सबको सरकार को अब ये समझ लेना चाहिए कि लोगों को अपनी जान इतनी प्यारी है कि वो आप निर्देश दें या न दें वो अपनी जान बचा के रखे हुए हैं। इसलिए आप चाहे सारी बाजार खोल दीजिए, लोग अब दिखाई नहीं पड़ने वाले। और आप देख लीजिए जितने भी आपको एनालिसिस मिलेगी कि बाजारें सब, देखिए ऐसा दीपावली में भी इस पा रहा हूँ, बाजारों में भीड़ कुछ नहीं दिख रही। देखिए जहां तक वो आंकड़े बनने की बात है, 133 करोड़ के देश में, शायद 136 करोड़ है, 1,00,000 के आपके जो संक्रमण है, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर दोहराऊंगा कि इसको लेकर इतने लोगों को भयभीत किया गया है, इतने लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई, इतने लोग बर्बाद हो गए, देश बर्बाद हो गया है, बर्बादी के कगार पे खड़ा है। तो मैं आज कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इससे मरने वाले 3,000, मैं फिर आपको कहूँ प्रतिदिन इस देश में 1,000 लोग टीवी से मरते हैं, आप 60 दिन के अंदर 3,000 लोग कोरोना वायरस से मरे, इतने दिन में इतने ही लोग मर चुके हैं फ्लू से, जुकाम से, खांसी से मर चुके हैं। अब आप सोचिए कि इससे इतना भय करना, सारी इकोनॉमी को सत्यानाश कर देना। मैं भी एक डेटा देख रहा था, पूरे विश्व का जो डेटा है, अब उस डेटा को आप एक थोड़ा सामने रख दूँ तो आपको एक पर्सपेक्टिव पूरा समझ में आ जाएगा, जनता को भी पता लग जाएगा। 1 जनवरी से 18 मई तक दुनिया में 2,26,00,000 लोग मर चुके हैं, वो विभिन्न बीमारियों से मरे हैं। 50,00,000 लोग मर चुके हैं संक्रमण वाली बीमारियों से, 30,00,000 लोग मर चुके हैं हार्ट अटैक से, 4,50,000 लोग मर चुके हैं मलेरिया से, 20,00,000 लोग मर चुके हैं HIV एड्स से, और करीब 15 करोड़ लोग इस समय विभिन्न रोगों से संक्रमित हैं। उसमें आप जोड़ दीजिए 3,000 कोरोना वायरस के मरीज भी, कोई फर्क पड़ता है? लेकिन ये किस तरह से, कैसे सोचकर इतनी भयावकता इसकी प्रस्तुत की गई, ये मुझे समझ में नहीं आता। आप मान लीजिए US में ही कहे 75,000 लोग मरे, देखिए वहाँ की जो कमियाँ रहूँ उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने देश की बात अगर करें तो मैं आपसे स्पष्ट कहूँगा कि हमें बिल्कुल भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। बाजार आपने खोले हैं तो इतने रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए कि लोग कन्फ्यूजन में घूम रहे हो। इसी तरीके से आपने और वो बताया कि आरोग्य से वो उसको ऐप को कभी कहा जाता है करिए, कभी कहा जाता है नहीं करिए, ये सब बंद करें, साफ कहिए करना है सब करें, नहीं करना है ना करें। बिल्कुल आरोग्य सेतु ऐप का तो अभी भी ये चल रहा है, जो गाइडलाइन आ रही है कि डोमेस्टिक फ्लाइट जो स्टार्ट हो रही है 25 तारीख से, उसमें भी ये कहा गया है कि आरोग्य सेतु ऐप आपको डाउनलोड कंपलसरी है, और दूसरी तरफ ये भी गाइडलाइन आ रही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसे डाउनलोड करें, ये वैकल्पिक है। आलोक रंजन जी, यहाँ पर कहाँ कमी नज़र आ रही है, क्यों ये अधिकारी नहीं इसको फॉलो करा पा रहे हैं, हर दिन नई नई गाइडलाइन आ रही है? अगर आप दुकानदारों से बात करेंगे वो भी यही बात कर रहे हैं, RWA की जो मेड वाली बात आ रही है, RWA बोलते हैं बाहर एंट्री किसी की भी नहीं है बाहर वालों की, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको आपकी मर्जी है कि आप मेड रखें या ना रखें, इतनी ये चीजों में कहां कमी है, क्यों नहीं ढंग से फॉलो हो पा रहा है ये सारा चीज? यहां पे असल में ये हो रहा है कि अभी तक तो जब लॉकडाउन इन्फोर्स किया गया तो वो तो आसान था, उसमें तो एक स्पष्ट नीति थी कि सख्ती से लॉकडाउन को लागू किया जाएगा। लॉकडाउन खोलना जो है लॉकडाउन लगाने से बहुत मुश्किल काम, और उसको भी स्टेज बाय स्टेज खोलने की बात हो रही है, स्पेशली जो लॉकडाउन 4.0 या जो चौथा चरण आया है इसमें अब काफी रियायतें दी जा रही हैं, काफी कुछ खोला जा रहा है। जैसा आपने स्वयं बताया कि एयर सेवाएं शुरू हो रही हैं 25 से, रेल सेवाएं शुरू हो रही हैं 1 जून से, और तमाम और दुकानें खोलने का और सब आदेश सब हो गए हैं। अब हुआ ये कि एक तो गाइडलाइंस भारत सरकार देता है, मिनिस्ट्री होम अफेयर्स में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत वो कुछ गाइडलाइंस देती है कि भाई इनको खोलो इनको बंद करो, फिर आता है वो प्रदेश सरकार पे, प्रदेश सरकार जो है उसमें अलग से अपनी कुछ गाइडलाइंस जारी करता है, प्रदेश सरकार के बाद वो जिला प्रशासन पे आता है, बहुत सी चीजें जिला मजिस्ट्रेट के ऊपर छोड़ दी जाती है, जिला प्रशासन बैठ के उसको तय करे, तो अलग अलग जिला प्रशासन अपने लेवल पे तय कर रहा है। तो यहाँ इसीलिए जगह जगह
अंतर तो आएगा, जो भी नीति होगी जो एक जिले में होगी या कोई दूसरे जिले में होगी, क्योंकि अलग अलग जिला प्रशासन कर रहा है या एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश में, ये अंतर तो आएगा। लेकिन हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो आप सही कह रही है बात, इससे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जैसा अभी किसी एक सज्जन ने बताया कि ये तो कहा है कि लेफ्ट साइड वाली बंद रहेंगी और राइट साइड वाली खुलेंगी, लेकिन लेफ्ट साइड और राइट साइड किस तरह से देखा जाए जी। वो इंद्रनगर की यही दिल्ली में भी सर, अगर चांदनी चौक की बात करें, वहां पे ऑड इवन की जो बात की जा रही है, ज्यादातर ऐसी दुकानें हैं जो इवन इवन है या फिर एक साइड में ऑड ऑड है, तो वो सारी दुकानें खुल जाएंगी, तो फिर कहाँ रह गया आपका ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी जो भी। यही मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अव्यवहारिकता भी हो रही है जिला प्रशासन स्तर पर। उनको ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो आदेश पारित करें वो व्यवहारिक हो। और अच्छा, वो कह रहा है, देखिए जैसे विजय शंकर पांडे जी ने बहुत अच्छा कहा कि खौफ बैठ गया है बीमारी का, तो यही खौफ प्रशासन और सब में भी है। तो वो लोग भी जो छूट दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उसमें बड़ी कंडीशंस लगा रहे हैं। बाजार खुलेगी लेकिन ऑड इवन खुलेगी, दाएं बाएं खुलेगी, रात खुलेगी, दिन नहीं खुलेगी, दिन खुलेगी, रात नहीं, मतलब वो इतनी तरीके की कंडीशंस लगा देने की उस कंडीशंस को फॉलो करना भी किसी के लिए आसान काम नहीं, वो समझ सके। अच्छा, वो कंडीशन क्यों लगा रहे हैं कि हमारी बचत हो जाए, आगे कोई ये ना कह सके कि भाई आपने क्या कर दिया अगर कोई बात हो जाती है। हमने तो साहब पूरे सेफ गार्ड लगा दिए थे, हमने तो ये कंडीशन, ये बड़ा एक प्रशासन का इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि प्रशासन को कहना पड़ेगा भाई आप स्पष्ट निर्देश दें और जिम्मेदारी लें इसकी, आप अकाउंटेबल हैं, आप जिला प्रशासन है, आपको अपने जिले के बारे में मालूम नहीं है क्या है, आपको अपने जिले को पूरे जानते हुए आप पूरी सही स्पष्ट नीति निर्धारित करिए और लोगों को बताएं स्पष्ट तरीके से, और उसमें एक कंफ्यूजन वाली स्थिति बिल्कुल ना रखें। रही बात आरडब्ल्यू की, आरडब्ल्यू भी देखिए घबरा रहा है, जो जो खुलने की जो हो गया कि मेड्स अलाउड है, तो आरडब्ल्यू अपनी मीटिंग कर रहा है अलग से, मतलब शासन के भी निर्देश आ गए, जिला प्रशासन की भी आ गए, और आरडब्ल्यू कहता है नहीं साहब वो क्या होगा, हमारे घर से दूसरे घर में जाएगी मेड को क्या होगा, तो हम इसकी मीटिंग करेंगे, हम इसको अभी रोकेंगे। तो हर आदमी अपना अपना एहतियात बरत के अपनी अपनी कंडीशन लगा रहा है। इसने जब एक वातावरण बन गया कि अब धीरे धीरे सब खोलना है, अब आर्थिक स्थिति इसके बिना नहीं चल सकती, अब पूरी इकोनॉमी को रिवाइव करना है, सब ओपन करना है, तो उसी तरफ बढ़ना चाहिए और उसी तरफ एक क्लियर ऑर्डर्स को पालन देना चाहिए और पालन होना चाहिए। ये कंफ्यूजन होने से बहुत अजीब स्थिति पैदा हो रही है। कहीं कहना जा रहा है कि दुकानें खोल दीजिए, अभी मैंने सुना लखनऊ में भी एक जगह एक किसी ने अपनी दुकान खोल दी तो उनको पुलिस वाले पकड़ के ले गए। क्यों पकड़ के ले गए, उन्होंने कहा आप तो सिंगल ब्रांड रिटेल हमने अलाउ किया था, डबल मल्टी ब्रांड रिटेल नहीं अलाउ किया था, आपके दुकान में तो दो ब्रांड बिकते हैं इसलिए मल्टी ब्रांड हो गए, इसलिए आपको गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो परेशान हो कर मैं साहब तो एक ही ब्रांड बेच रहा था। तो इस तरीके की समस्या जो है वो उत्पन्न हो रही है लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से। तो प्रशासन को, शासन को इसमें स्पष्टता करनी पड़ेगी, क्लियर करना पड़ेगा, और अब खोलना है तो खोलने की तरफ बढ़ना है, उसमें 50 कंडीशन ना लगाएं। 50 कंडीशन लगाएंगे तो कोई भी नहीं समझेगा कि वास्तविकता क्या है जी, और उसकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, लोगों को उसका पालन करना पड़ेगा। विजय शंकर पांडे जी, यहाँ पर ये भी बात है कि ऐसे में प्रशासन के अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर जो मदद करना, लोगों में यहाँ पर तालमेल बैठाना, उनको मानसिक तौर पर सपोर्ट देना, लेकिन यहाँ पर तो हर तरफ से दिक्कत आ रही है लोगों के लिए भी। अगर हम ये सरकार की भी बात करें तो पहले ट्रेनों को चलाया नहीं गया, अब ट्रेनों पहले राज्यों की मंजूरी थी, अब अपनी मर्जी से अब केंद्र ट्रेन चला सकता है, मजदूर वैसे ही परेशान रहे, फिर ये इतने चेंजेस, तो ऐसे में एक प्रशासन के अधिकारियों को क्या करना चाहिए जिससे कम से कम जनता के सीधे तौर पर, मानसिक तौर पर हर तरफ से मदद तो कर सके कम से कम। देखिए जैसा अभी आलोक रंजन साहब ने कहा कि एक तो क्लैरिटी, एक तो स्पष्टता होनी चाहिए निर्देश में। आपने भी आरडब्ल्यूए की बात बताई, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आरडब्ल्यूए का कोई अधिकार नहीं है, ये एकदम अनाधिकारिक चेष्टा है उनकी कि अपना इंस्ट्रक्शन थोपना जनता पर, ये वो होते ही नहीं कोई रोकने वाले। वो देखिए ये जो हमारे देश में ये गेट लगा लगा के कॉलोनी बंद करने का जो प्रचलन चला है, दुर्भाग्य से उसको किसी ने रोका नहीं, ये अनधिकृत है पूर्णतः। इसलिए आरडब्ल्यूए को समझ लेना चाहिए, जो भी श्लोक सुन रहे हो, कि आप अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके काम कर रहे हैं, आप कोई नहीं है, जिसका मन होगा वो मेट बुलाएगा, और आप कोई ठेकेदार नहीं है। इस रोग ना बढ़े उसका ठेका प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और देश की सरकार ने ले रखा है, इसलिए आप इससे बाहर निकलिए और इनको रोकिए मत। दूसरा, आपने जहाँ तक ट्रेन की बात की, देखिए मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु सामने रख दूँ। संवैधानिक व्यवस्था में जो केंद्र सरकार के पास अधिकार है माइग्रेशन और इंटर स्टेट मूवमेंट का, ये जो केंद्र सरकार के जो 7th शेड्यूल है उसमें ये केंद्र के अधिकार में आता है। तो ट्रेन कितनी चलेंगी ये केंद्र सरकार निर्धारित करेगा, स्टेट का इसे कोई लेना देना नहीं है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों की मुंह देखती रही,
कि वो कितनी ट्रेनें लेंगे। अरे वो होते कौन है जब आपके पास पूर्ण अधिकार संविधान ने दे रखा है कि आप जितनी ट्रेनें चलाएंगे, और दीपाली जी आप समझ लीजिए जो ट्रेनें चलती हैं उसी अधिकार के तहत चलती हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ये अधिकार प्राप्त है इंटर स्टेट मूवमेंट का। हवाई जहाज़ कोई कर राज्य नहीं मना कर सकता कि हम आपके जहाज़ को जो है वहाँ कलकत्ता से आने वाला जहाज उत्तर प्रदेश नहीं उतरेगा, ये सीधे दिल्ली जाए, वो होते कौन है? उनकी संवैधानिक व्यवस्था में ये अधिकार उनके पास नहीं है। इसी तरह ट्रेनों में, ट्रेन जितनी केंद्र सरकार जहाँ के लिए चलाना चाहे, किसी राज्य सरकार की कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी ट्रेन को रोक सके। इस स्थिति में ये कहना कि राज्य सरकार ट्रेन नहीं मांग रही, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मुझे ऐसा लगता है कि संबंधित जो हमारे जो नेतृत्व, उनको ये बात बताई नहीं गई कि ये राज्य सरकार होती कौन है। आप भेजिए, उनकी जिम्मेदारी है लोगों का स्वास्थ्य देखना, स्वास्थ्य स्टेट सब्जेक्ट है, उनकी जिम्मेदारी है देखना, वो उनको क्वारंटाइन करें, उनका टेस्ट करें, उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं, उनके घर पर ले जाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। सारी SOP जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है केंद्र सरकार ने बना के सबको दे दिया है। तीसरा बिंदु आपने जो कहा कन्फ्यूजन वाला, देखिए ये इसलिए है क्योंकि जैसा भी अभी हम आलोक रंजन जी ने कहा, लोग जिम्मेदारी से बचते हैं, वो सोचते हैं इतने रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि जिससे कि अगर कभी कुछ गड़बड़ हो तो ये कह सके देखिए हमने तो कहा था, लेकिन ये लोग माने नहीं। देखिए इससे नहीं चलेगा। अब जनता, जिला प्रशासन को और प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए, ये देश 2 महीने ये लॉकडाउन को भुगत चुका है और अपना बहुत नुकसान कर चुका है। अब सबको अपना मन मस्तिष्क हृदय लगा कर इस दिशा में बढ़ना चाहिए कि अब हमारा देश खुले, लोगों को काम धंधा मिले, लोग आगे काम में जाएं। इसलिए सारे रिस्ट्रिक्शंस अब रिलैक्स करिए, भय मत खाइए। देखिए मैं पुनः कह रहा हूँ, कोरोना वायरस इस देश का, ईश्वरीय कृपा कहिए जो भी कहिए, कुछ बिगाड़ नहीं पाया और ना बिगाड़ पाएगा। इसलिए लोगों को अब निकलने दीजिए, काम करने दीजिए, एकदम सामान्य रूप से चलने दीजिए। अब आप ये सोचिए 25 मार्च के पहले जिनके हम लोग गले में हाथ डाल के घूमते थे, आज उनको देख कर भागते हैं दूर, क्या बदल गया? एक भय आया, उस भय को अब निकाल देना चाहिए, बिल्कुल डर को हटा देना। आलोक रंजन जी, अब ये भी मेरा एक और सवाल, आखिरी सवाल आपसे है कि किस तरह से अब आगे मैनेज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन के बजाय यहाँ पर लोगों का उत्पीड़न होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब एक प्रशासन के अधिकारी या सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम अब इस तरह की कि इतने करेक्शन ना हो जाए कि फिर से स्थितियाँ बिगड़ी जाए। नहीं नहीं बिल्कुल आप, लेकिन इसमें अब यही करना है इस समय कि जैसे बात आ रही है कि अब क्योंकि लॉकडाउन 4 में ये खोला जा रहा है सब बाजार या सब कुछ गतिविधियां, तो इनको खोलने के बारे में जो भी आदेश पारित हो रहे हैं इनमें किसी तरीके का अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ ये भी देखना है इन लोगों की भाई कहीं पे कहीं ऐसी बात ना हो जाए कि सेफ गार्ड बिल्कुल खत्म हो जाए, कि कोई कम्युनिटी स्प्रेड की बात आ जाए, तो उसके लिए जो मेडिकल सेफ गार्ड लागू करने हैं, चाहे वो टेस्टिंग को बढ़ावा देने की बात है, चाहे वो ट्रैकिंग की, ट्रेसिंग की, ट्रीटमेंट की, और सबको भी पूरी उसी तरीके चौकन्ने तरीके से करना है। ये खोल देने का मतलब ये नहीं है कि उस तरफ हम ध्यान ना दें, उधर पूरा ध्यान रखा जाए, साथ साथ जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको खोलना है और उनके बारे में आदेश जो है वो एकदम स्पष्ट हो जाने चाहिए, कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए। जैसा आपने रेल की यात्रा का भी कहा, इसमें समय समय पर विचारधारा और नीति बदलती चली गई है सर। शुरू में आपको याद होगा आपके ही चैनल में मैं आया था, तब बात हो रही थी कि खाली बस से ले जाया जाएगा मजदूरों को और ट्रेन की परमिशन नहीं थी, और यही बात हम लोगों ने यहाँ कही थी कि बस से इतने यात्री या मजदूर तो जा ही नहीं सकते, बस तो 50-60 एक बार में ले जाएगी, कैसे जाएंगे? इसके लिए स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए। उस समय पहले बात आई कि स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जाएंगी, फिर बात आई कि हाँ चलाई जाएंगी, लेकिन प्रदेश सरकार मांगे, अब निर्णय हो गया कि प्रदेश सरकार की मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, अब तो हम दे देंगे डायरेक्टली। तो ये समय समय पर जो बदलता जा रहा है उससे और कुछ कंफ्यूजन जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसी प्रकार की और चीजों में भी हो रहा है। तो एक स्पष्टता नीति की होनी बहुत जरूरी है, क्लियर माइंड के साथ हमें मालूम है कि हमको खोलना है, जैसे एयर ट्रेवल खोल रहे हैं और बाकी चीजें खोल रहे हैं, तो खोलने की तरफ बढ़ना है तो धीरे धीरे करते रहे, इसको लिबरलाइज करते चला जाए, खोलते चला जाए, और जो है मेडिकल एस्पेक्ट को उसको तो ध्यान में रखना ही रखना है, उसमें कभी भी हमें अपनी जो ढाल है उसको नीचे नहीं करना। जी बहुत बहुत शुक्रिया आलोक रंजन जी और विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये राय देने के लिए। अब यहाँ पर एक साफ तौर से चीज़ें निकल कर यही सामने आई है कि कन्फ्यूजन को पैदा नहीं करना है, स्पष्टता रहनी चाहिए जो भी निर्देश पारित हो रहे हैं, और दूसरी बात थोड़ा सा भय निकालना होगा, क्योंकि अगर रियायतें दी जा रही हैं तो ऐसी रियायत हो कि कम से कम लोग अब इससे परेशान ना हो, इस पर सरकार को सोचना होगा और इसी तरीके से दिशा निर्देश देने होंगे। ये नहीं कि हर रोज़ उसमें चेंजेस हो रहे हैं, फिर उसको करेक्शन हो रहा है, फिर पुरानी चीज फिर नई चीज, ऐसा ना हो। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।